और आपको बता दें कि तेलंगाना में भी ओमिक्रॉन के 13 नए मामले सामने आए हैं। सवाल अब यह है कि लगातार ओमिक्रॉन फैल रहा है, कुल मिलाकर जो मामले हैं तेलंगाना में वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। 13 अचानक से मामले जब सामने आए तो और ज्यादा चिंता बढ़ गई। कुल मिलाकर 21 मामले अब तक तेलंगाना में सामने आ चुके हैं। तो ओमिक्रॉन लगातार अलग अलग राज्यों में अपने पैर पसार रहा है और लगातार डॉक्टर्स की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि अभी तक की जांच में सामने आया है कि ये बहुत ज्यादा कंटेजियस है, फैलता तेजी से है।